हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुराग ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ के लॉ कॉलेज के बारे में। छोटी वीडियो होगी बट एंड टू एंड में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस तरीके के कंटेंट को रेगुलर कंज्यूम करने के लिए और हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो ये कॉलेज 1978 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड तब से लेके आज तक भारतीय विद्यापीठ ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है वो हमारे से या आपसे, हम में से कोई भी इस बात से अनअवेयर नहीं है। तो हम सब इस चीज से रूबरू हैं कि भारतीय विद्यापीठ कितनी बड़ी ब्रांड आज के इस एजुकेशनल सोसाइटी में बन चुकी है। अगर हम इसके कोर्स फीस की बात करते हैं, सीधा सीधा मैं कोर्स फीस पे आ रहा हूँ। अगर हम BA LLB और BB LLB पे बात करें, तो BA LLB में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर हम मेरिट फीस की बात करते हैं तो 90,000 पर ईयर हमें दिखता है रेगुलर मेरिट कैटेगरी में फीस, एंड मैनेजमेंट मेरिट कैटेगरी में हमें जो है फीस वो डबल होती हुई दिखती है, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 पर ईयर। और वहीं NRI स्टूडेंट्स के लिए $3,500 हमें दिखता है। तो फीस अगर हम देखें तो काफी रीजनेबल है। अगर हम रेगुलर मेरिट कैटेगरी की देखें तो वो तो काफी ज्यादा कम है, और अगर हम रेगुलर मैनेजमेंट कैटेगरी में देखते हैं तो भी 1,80,000 भारतीय विद्यापीठ के लिए काफी ज्यादा रीजनेबल फीस है। BA LLB और BB LLB के अलावा ये कॉलेज LLB और LLM भी प्रोवाइड करवाती है आपको। LLB और LLM से जुड़ी कोई भी डिटेल या फिर BA LLB और BB LLB से जुड़ी एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को फॉलो करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग्स की, तो सबसे पहले मैं अगर ग्रेडिंग की बात करूं तो NAC ने इसे A+ ग्रेड दिया हुआ है। 2017 में ही इसे A+ कैटेगरी मिल चुकी थी NAC से, और साथ ही साथ NIRF ने 2020 में इसे 36th रैंक दिया था अमंग द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। और अगर हम सिर्फ लॉ कोर्स की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी टॉप 10 लॉ के यूनिवर्सिटीज में आती है। तो यार ओवरऑल ये कॉलेज बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कैंपस एनवायरमेंट इसका बहुत ही जबरदस्त है, फैकल्टीज काफी हाई क्वालिटी की है, एंड बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी होने वाला है इस कॉलेज का। तो ओवरऑल दिस कॉलेज प्रूव्स टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ BA LLB कोर्स और BB LLB या फिर 3-year LLB, तो ये कॉलेज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, आप इसको जरूर एक बार देखो। रही बात अगर इसके एडमिशन की, तो ये इसके एडमिशन के लिए आपको भारतीय विद्यापीठ का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और भारतीय विद्यापीठ का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना होता है, ठीक है। बाकी अगर फर्दर आपको कुछ एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स चाहिए या फिर अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, तो एडमिशन सपोर्ट और काउंसलिंग सपोर्ट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो जरूर कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए, चैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।